नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 जून 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। नशा मुक्ति केंद्र से निकलने वाले युवाओं को होटलों में प्रशिक्षण देगा पर्यटन निगम। नशा मुक्ति केंद्रों से निकलने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार पर्यटन निगम के होटलों में कुक, वेटर, सेफ आदि का प्रशिक्षण देगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके इसके चलते ये फैसला लिया गया है। इसके लिए वह युवा पात्र होगा जिसको पुलिस नशा छोड़ने का प्रमाण पत्र देगी। पर्यटन निगम के होटल व गेस्ट हाउस में पोस्टर, वीडियो और अन्य माध्यमों से इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। वाइप आउट जो एक संकल्प है उसके ऊपर हमने आज विस्तृत तौर पर चर्चा की और पार्टनरशिप टूरिज्म का पुलिस महकमे के साथ पूरी तरह से ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स को वाइप आउट करने के लिए और कहीं ना कहीं जो परिवार है जो आज जूझ रहा है इतनी बड़ी समस्या से, उस समस्या में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी रखने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे आया है। हिमाचल के 10,962 उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण की नीट यूजी 2023 की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2023 की परीक्षाओं में हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों का शानदार प्रदर्शन रहा है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक संख्या में उम्मीदवारों ने नीट यूजी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों में चल रहे कोर्सेज के प्रवेश के लिए आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा में हिमाचल प्रदेश में 10,962 उम्मीदवारों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि बीते 7 मई को आयोजित हुई इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए हिमाचल प्रदेश से 18,830 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया था। सीएम सुख बोले, केंद्र रोक सकता है हमारा पैसा पर हम विकास को नहीं रुकने देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है। कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद भी यही वे अधिकारी है जिनसे सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को ओपीएस दी है। सुक्खू ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि एक भी विभाग बता दे कि वहां कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। हमेशा 17 तारीख को ही मिलती है, 1 तारीख को मिलती है। नहीं, आज उन्होंने आज तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। अच्छा, टीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है, मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। आज तो दिल्ली के पत्रकार एचआरटीसी की सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो दिल्ली के बड़े बड़े, आप लोगों ने नहीं सवाल पूछा, आपने जो राज्य से वो आके हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि एचआरटीसी की सैलरी क्यों नहीं दी। तो ये चीजें कहना गलत बात है। हिमाचल राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा, अगले 5 साल 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये जो सैलरी है ये कारपोरेशन की है। अभी सचिवालय में खड़े किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाके इंटरव्यू तो लीजिए कि आपको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। पर एक प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। और सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी जहां सिर्फ 10-15 हजार इम्प्लाईज है, हिमाचल में तकरीबन 2 लाख सरकारी इम्प्लाईज है, तो सरकारी कर्मचारी की जो एचआरटीसी की सैलरी वो 14-15 तारीख को ही मिलती है। सेल से खिलवाड़, हिमाचल में बने 15 दवाओं के सैंपल फेल, विवादों में चल रही साइफर फार्मा के भी 4 सैंपल फेल है। हिमाचल प्रदेश में मई में बने अल्सर, बीपी और निमोनिया समेत 15 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। साथ ही देश भर की 27 दवाएं भी मानकों पर खरा नहीं उतरी है। प्रदेश में जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें हाल ही में नकली दवाई बनाने के लिए विवादों में रही बद्दी की साइफर फार्मा के 4 सैंपल समेत सोलन जिले के 13, सिरमौर और कांगड़ा के 1-1 दवा सैंपल फेल हुए है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मई के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। इन दवाओं में अल्सर, बीपी, संक्रमण, दर्द, तकरोधी बुखार, निमोनिया, दस्त, मधुमेह और टॉन्सिल की दवा शामिल है। मई में 1302 दवाओं के सैंपल लिए गए थे जिसमें से 1274 सैंपल मानकों पर खरा उतरे और 27 के सैंपल फेल हुए। वही 1 दवा नकली पाई गई है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले भारत का विरोध करने वालों को विदेशों में गले लगा रहे कांग्रेस के युवराज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वंशवाद की राजनीति की संस्कृति को विकासवाद में बदल दिया है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल छल कपट कर सत्ता हासिल कर रहे हैं। नड्डा बुधवार को ढालपुर के रात मैदान में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर मंडी संसदीय क्षेत्र की रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रजातंत्र को मजबूती देने का काम किया है। वोट बैंक की राजनीति को छोड़ रिपोर्ट कार्ड की राजनीति लेकर आए कांग्रेस ने वायु से वायु को लड़ाने का काम किया है। जातियों को लड़ाकर वोट की राजनीति कर सत्ता पाने का काम कांग्रेस ने किया है। राजधानी शिमला में बुधवार सुबह 10 बजे बादल झमझम बरसे। दिन में मौसम साफ रहा, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में वीरवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 जून तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार है। हिमाचल की 66% बुजुर्ग महिलाएं बिना संपत्ति के 75 के पास नहीं है बचत। हिमाचल की 75% बुजुर्ग महिलाओं के पास कोई बचत नहीं है। 66% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास संपत्ति भी नहीं है। इसके चलते वे खुद को वित्तीय तौर पर असुरक्षित महसूस करती है। वीरवार को मनाए जाने वाले विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस से ठीक पहले ये चौंकाने वाले खुलासे हेल्थ एज इंडिया संस्था ने किए हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1326 कंप्यूटर शिक्षक अब निजी कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिन हुए करार को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जुलाई से वेतन में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की है। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट में लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने की मदद करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को फोन कर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यवस्था नहीं होती तो शिक्षकों को पूर्व की तरह नायलेट कंपनी के अधीन किया जाए। 5 निजी कंपनियों को ठेका दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है। इस बाबत उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों की जमकर क्लास लगाई है। हिमाचल हाईकोर्ट दिहाड़ीदार महिला को भी मातृत्व अवकाश का हक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिहाड़ीदार दैनिक वेतन भोगी महिला को भी नियमित कर्मचारी की तरह मातृत्व अवकाश लेने का हक है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश बरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए तत्काल प्रशासनिक प्राधिकरण के फैसले पर अपनी मोहल गा दी है। कोर्ट ने कहा कि मां बनना एक महिला के जीवन की सबसे स्वाभाविक घटना है, इसलिए एक महिला जो नौकरी में है उसको अपने बच्चों के जन्म की सुविधा के लिए जो भी आवश्यक हो नियोक्ता को उसके प्रति विचारशील और सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। जेपी नड्डा बोले पश्चिमी बंगाल में पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रहा है फायदा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग को 91.5% आरक्षण है। ये आरक्षण मुस्लिम भाइयों और अन्य पिछड़े लोगों को मिलता है। पश्चिमी बंगाल में हिंदूवादी 72% और मुस्लिम आबादी 25% है। वहाँ पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्यों को लाभ दिया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। पांवटा साहिब में 6 किलो गांजे के साथ उत्तराखंड के 2 युवक गिरफ्तार। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल में पुलिस टीम ने उत्तराखंड के 2 युवकों को गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तराखंड की तरफ से 2 युवक मोटरसाइकिल पर गांजे की खेप लाकर पांवटा साहिब की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाके लगाया। नाके के दौरान मोटरसाइकिल पर निर्मल उम्र 26 पुत्र चरना निवासी नजदीक गन्ना सेंटर सफेरा बस्ती चोरखला सासपुर जिला देहरादून उत्तराखंड और परवाना उम्र 25 पुत्र दीवाना निवासी नजदीक आरा मशीन सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखंड सवार थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल रोककर तलाशी ली तो उनके बैग से 6 किलो 57 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। DSP मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने नाके के दौरान उत्तराखंड के 2 लोगों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में भाग लेने मुंबई रवाना हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बुधवार को शिमला से रवाना हुए। उन्होंने शिमला से रवाना होने के बाद चंडीगढ़ में पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष
कुलतार सिंह संधवा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों विधानसभा अध्यक्षों ने दोनों राज्यों से जुड़े विषयों पर चर्चा की, जिसके बाद वे एक साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सुखवेंद्र सिंह सुक्खू के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रवाना होने की संभावना है। उनके साथ प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री और 40 विधायक भी हिस्सा ले रहे हैं। पानी के खाली टैंक में आ गिरा भालू का बच्चा, रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया। जिला चंबा की ग्राम पंचायत कोरडी में भालू के एक बच्चा जंगल से भटककर निजी भूमि में बने पानी के काले टैंक में आ गिरा। पानी के टैंक से भालू के बच्चे के गुर्राने की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान भालू के बच्चे ने टैंक से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहा। इसी बीच ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। दर्दनाक हादसा, सड़क से 300 मीटर नीचे नाले में गिरी HRDC बस, 2 की मौत, हादसे में 6 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतर नरोगी सड़क पर त्रहण के समीप बुधवार को HRDC की एक बस करीब 300 मीटर नीचे बसौना नाले में जा गिरी। नरोगी से वापस भुंतर आ रही बस शाम करीब 5:30 बजे नाले में गिरी। बस गिरने के बाद यहां पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। HRDC की बस नरोगी में सवारियां छोड़ने के बाद वापस आ रही थी, इसलिए कम लोग ही हादसे की चपेट में आए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, डिजी लॉकर पर मिलेगा अब 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट, शिक्षा बोर्ड ने दी सुविधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा प्रदान कर दी है। बोर्ड की ओर से डिजी लॉकर पर 70/2023 की 12वीं की परीक्षा के प्रोविजनल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बोर्ड 2 दिन के भीतर 10वीं के भी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा देगा। डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थी जब चाहे अपने दस्तावेजों की प्रतिलिपि खुद ही निकाल सकेंगे। अवैध कटान मामला, गुमनाम पत्र ने उड़ाई विभाग की नींद, जांच के लिए कमेटी बनाई। अवैध कटान के शिकायत पत्र ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। जिला चंबा के चुराह वन मंडल में देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का एक मामला शांत होते नहीं तो दूसरा मामला उजागर हो जाता है। इस बार वन मंडल चुराह की वन बीट खैरना और चुंगी में देवदार के हरे भरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। इसको लेकर एक गुमनाम पत्र प्रधान वन सचिव को भेजा गया है। इसमें बताया गया कि इन दोनों वन बीटों में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से देवदार के पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। गुमनाम पत्र भेजने वाले ने अपना नाम उजागर नहीं किया है, हालांकि पत्र के साथ अवैध कटान की दर्जनों फोटो संलग्न है। सरकार के ध्यान में ये मामला आते इसकी गंभीरता से जांच करवाने के आदेश वन मंडलाधिकारी चुरा को दिए गए हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।